रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने जनपद सहित सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए बताया कि राणा बेनी माधव बख्श सिंह भारत माता के महान सपूत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका जीवन देश की आजादी एवं स्वाधीन भारत की एकता, अखंडता एवं सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए समर्पित था। राणा बेनी माधव बख्श सिंह जनपद देश प्रदेश की संतान है, जिसने देश व समाज के लिए, स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया था। प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग व जागरूकता के माध्यम से कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण में नियंत्रण अग्रसर है। हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग एवं स्वास्थ्य व शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना जरूरी है। सरकार व प्रशासन के प्रयासों एवं लोगों के जागरूकता के कारण प्रदेश व जनपद में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़ रही है। बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो रहे हैं। हमें अपने रचनात्मक सकारात्मक कार्यों से देश प्रदेश व समाज को आगे बढ़ाकर देश के महान पुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आदि महान पुरुषों के सपनों को साकार कर सकते हैं। आपको बता दें कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम अभिलाष, नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव व पति श्री मुकेश श्रीवास्तव, सभासद एसपी सिंह, पूर्व विधायक इंद्रेश विक्रम सिंह, मनीष सिंह, गजाधर सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष आरबी सिंह, समाज सेवी जय सिंह सैगर, रीना सिंह आदि गणमान्यजनों द्वारा जनपद में राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति द्वारा आयोजित 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 216वीं जयंती पर नेहरू नगर स्थित राणा बेनी माधव बख्श सिंह की प्रतिमा पर पुष्प एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए व्यक्त किए हैं। आए हुए सभी अतिथिगणों द्वारा सूचना विभाग के कोरोना से बचना है, आसान बातों का रखे ध्यान के पोस्टर के माध्यम से भी लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाव व रोकथाम पर जोर दिया। सभासद एसपी सिंह व उपेंद्र सिंह, जय सिंह सैगर ने कहा कि हम सभी को मानव जाति को जिंदा रखने के लिए कोरोना की चेन को प्रत्येक दशा में तोड़ना है। इसके लिए सभी कार्यों को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग करते हुए कराना है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम अभिलाष व सभासद एसपी सिंह, उपेंद्र सिंह, जय सिंह सैगर ने राणा बेनी माधव बख्श सिंह के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राणा बेनी माधव किसी परिवार की गुलामी के लिए नहीं थे। जब उन्होंने जनपद को 1857 में स्वाधीन घोषित किया तथा तब उनकी उम्र 52 या 53 वर्ष की थी, तो जिन्होंने अंग्रेजों को जनपद में घुसने नहीं दिया तथा स्वाधीनता की लड़ाई में अपनी अलग पहचान बनाई। सरकार स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक राणा बेनी माधव बख्श सिंह सहित अन्य स्वतंत्रता संग्राम ज्ञात व अज्ञात सेनानियों की स्मृतियों को संजोने व उनके सपनों के अनुरूप देश व समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, जिससे पूरा देश आनंद की अनुभूति महसूस कर रहा है। केंद्र सरकार मोदी व प्रदेश में योगी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लेकर कार्य कर रही है। राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती पर भाग लेकर हम सभी लोग निरंतर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के नजदीक आ रहे हैं। सामाजिक आर्थिक समाज की चिंतन व सोच भी निरंतर परिवर्तित हो रही है। भारत एक युवा राष्ट्र है और हमारे विकास के केंद्र में युवा वर्ग है, जिनकी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कर हम निरंतर विकास की ओर अग्रसर हैं। आजादी का असली अर्थ जोश और कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हुए कार्य करना है। जनपद प्रदेश व देश के अनेक ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों व महापुरुषों को याद करते हुए कहा कि महान पुरुषों की कुर्बानियां, त्याग, बलिदान, प्रेरणा तथा रचनात्मक सकारात्मक कार्यों से देश व समाज प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जिसे निरंतर बनाए रखना है। सूचना विभाग द्वारा सुशासन के 3 वर्ष नामक पुस्तकों को भी आए हुए सभी गणमान्यजनों में वितरित की गई। इस मौके पर एडी सूचना प्रमोद कुमार, ज्ञान प्रकाश तिवारी, उमेश सिंह, संजय सिंह, कमलेंद्र, सुनील सिंह, दाशून्य मनीष सिंह, डॉक्टर राजीव सिंह, विजय रस्तोगी, इमरान, राजेंद्र सिंह, विनोद कुमार गौड आदि लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनी राणा बेनी माधव बख्श सिंह के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन। आपसे मेरा विनम्र निवेदन, कांग्रेस के महामंत्री सिंह जी से मेरा विनम्र निवेदन, वार्ड नंबर 19 नेहरू नगर का सभासद, और 15 अगस्त 2007 को मात्र 10 लोगों ने समर्पण के साथ, बाद में 24 अगस्त 2012 को एक ही लगे यहाँ विशालकाय राणा की प्रतिमा लगेगी, सब लोगों ने धूल मस्ती का प्रस्ताव पारित किया, 2016 में प्रतिमा तैयार हो गई, 2017 को यहाँ उपस्थित महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश नायक जी ने इसका लोकार्पण किया, 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई,
और प्रतिवर्ष कोई न कोई जिले की प्रदेश की राष्ट्र की विभूति आती है। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग करते कार्यक्रम संचित किया गया। आज केवल दीपांजलि और पुष्पांजलि का ही कार्यक्रम रखा है। प्रोग्राम राजनाथ जी का भी मिला था पर महासंग्राम के और आज जो है ये विशाल तैयार हो चुकी है और इसी लालगंज में एक राणा बेली माधव भगत सिंह की और 216वीं जयंती पर राणा की हम आवश्यकता यह है उनकी युवाओं को आगे पर अभी तक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे बड़े भाइयों से अनुरोध है युवाओं को प्रोत्साहित करें जिससे राणा बेली माधव सिंह समिति के सुरक्षित रहे। सम्मानित अध्यक्ष परम श्रद्धे हमारे विकास खंड के पूर्व प्रमुख आदरणीय भैया कौशलेन्द्र प्रताप सिंह जी, बड़े भाई आदरणीय हरिहर सिंह जी, भाई विजय रस्तोगी जी, भाई जितेंद्र सिंह राठौर और इस कार्यक्रम के 1857 की क्रांति के महानायक संपन्न होने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हमारे छोटे भाई और हिंदुस्तान अखबार के क्षेत्र में पत्रकार भाई उपेन्द्र बहादुर सिंह, भाई नरेंद्र सिंह फौजी 12 महीने तक एवं जनपद के सभी सम्मानित लोगों का हम अपना यथोचित अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सबका आभार प्रकट करते हैं कि आप हम लोगों ने अपना कीमती बहुमूल्यवान समय राणा के कार्यक्रम में देकर के आप पूरे जनपद का सम्मान बढ़ाया है। मैं आप सबका बड़े विनम्र भाव से आदर भाव से आप सबका अभिवादन अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। हुआ गांव में हुआ बहुत बहुत आभार सर। आवाज नहीं आ रही क्या? हमारे मत में मन और तन का प्रणाम करते हुए भारत माता की, भारत माता की। उसमें राणा बेनी माधव जी ने अवध रायबली ही नहीं पूरे अवध क्षेत्र में रायबली करने का बजाय आपसे मेरा विनम्र निवेदन राणा के चित्र पर पुष्पार्चन करने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर मनीष 2007 को मैं पहली बार सभासद बना था तो नगर पालिका अध्यक्ष वर्तमान में उसमें राघवेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने यहाँ एक छोटी सी प्रतिमा लगी हुई थी उस पर माल्यार्पण के लिए हमें सुनिश्चित किया और उस समय हम 10 लोगों के साथ यहाँ माल्यार्पण किए और लगातार माल्यार्पण का कार्यक्रम चलता रहा। हमारे विनोद सिंह गौर यहाँ पे पूर्व वीडियो थे, उन्होंने कहा कि 24 अगस्त को राणा बेनी माधव जयंती मनाया जाता है तो हम लोग 15 अगस्त के साथ 24 अगस्त 2010 को पहली बार राणा बेनी माधव की जयंती मनाया गया और उसी में लोगों ने प्रस्ताव रखा कि प्रतिमा बननी चाहिए। 2012 में प्रतिमा का जो है शुरुआत हुई और उस समय हमारे नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद हाजी इलियास थे, उन्होंने 51,000 रुपये दिया और तमाम लोगों ने पैसा दिया, चंदा दिया। 2016 प्रतिमा बन के तैयार हुई और 24 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम राम नाइक पुष्पांजलि इसका अनावरण और लगातार कार्यक्रम होता रहा। 10 लोगों का कार्यवाहक से शुरुआत शुरू किया गया कार्यक्रम आज एक भव्य विशाल रूप लेता है। पिछले बार 24 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे अपनी शोभा आकर के राणा का जो है मान मर्दन बढ़ाया था। वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना युद्ध कोरोना को फैला हुआ है जिस कारण इस बार कार्यक्रम दीपांजलि बनने पर रह गया। मैं दिल्ली गया था माननीय राजनाथ जी संदर्भ में काम लिया पर कोरोना के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन जिले के सभी दलों के सभी सामाजिक लोग सारे लोग राणा की प्रतिमा माल्यार्पण करने और दीपदान करने आए। इसी के साथ इस वर्ष यहाँ लाल में प्रतिमा बनने तैयार होगी इसी तरह की जिसमें लोगों को बड़ा राणा के प्रति ध्यान बढ़ता जा रहा है।